हाय, वेलकम टू द कैट क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा मेंसुरेशन में से क्वेश्चन है, और इसमें स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना होगा। और ये कैट में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, क्योंकि ये बॉडी मास थ्योरम को यूज करेगा, और इसमें बेसिक हमारा जो आपका फंडा है, रेशियो ऑफ एरिया, वो अप्लाई होगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड लेंथ 16। ओके, सो हियर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 16, एंड लेट ई एफ जी बी पॉइंट्स ऑन सी डी, लेट दिस बी ए बी सी डी सच दैट दे आर इक्वल, लेट बी एफ एंड ए, सो दिस इज योर एफ एंड ई, सो दिस इज बी एफ एंड ए, राइट, सो दे इंटरसेक्ट एट मीट एट एम, एंड यू आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ एम ए बी, राइट। तो दिस इज वन क्वेश्चन, यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ एफ एम ई, दैट कैन बी अनदर क्वेश्चन। और यहां पे मैं एक और आपका इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना सकता हूं, वो आप सॉल्व करके बताइए। यहां पे ये मिड पॉइंट्स हैं, दिस कैन बी द मिड पॉइंट्स यू नो ऑफ एफ ई एंड एफ बी एंड ए बी, सो ये वाला भी एरिया पता कर सकते हैं, बट अभी के लिए वी आर सपोज टू फाइंड दिस एरिया, राइट। नाउ यू नो दैट दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, एंड दिस इज थ्री, सो दिस विल बी डिवाइडेड हियर, यहां से ये 1:3 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये वन पार्ट हो गया, ये थ्री पार्ट हो गया, राइट। अब ये वाला जो पूरा है एरिया, ये वन होगा, ये एरिया थ्री होगा, तो जो टोटल एरिया है विच इज 256, उसका ये 3/4 हो गया नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया 3/4 हो गया, ठीक है बेटा, क्योंकि ये वाला एरिया वन पोर्शन हो गया, ये थ्री पोर्शन हो गया, और उसमें से ये वाला एरिया हाफ हो गया इंटू 1/2, सो इसका हमारा देखिए क्या आंसर आता है, 4 पे कट किया 64, फिर कट किया 32, 32 इंटू 3 96, 96 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस। आई होप यू एंजॉयड दिस, और इसकी बहुत सारी और वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हैं। और जो मैंने मेंसुरेशन पे वीडियो बनाया है, मेंसुरेशन 1, 2, 3, 4, ये चारों वीडियो जरूर देखिए, और उसमें खास करके जो सेकेंड वीडियो है जो कि एम्बेडेड फिगर पे बनाया हुआ है, वो वीडियो में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी तक अगर चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है, डू एक्सप्लोर द चैनल। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।